हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पे बात करने वाले हम लोग एटलेट साइकल और ब्रिस्बेन हिट के बीच में खेले जाने वाले BBL के 18th मैच का। 18th जो मैच होगा ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर दोनों टीमों का हम एनालिसिस करेंगे तो दोनों टीमें जो है वो सेम पोजीशन पे जो है बरकरार है, और सेम पोजीशन पे इसलिए क्योंकि दोनों टीमें जो है वो चार मैचेस खेली है, चार में से एक एक मैचेस जीती है, तीन तीन मैचेस जो है हारी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है ये आगे के मैचेज जो है इनके हो सकते हैं, किस तरह से जो इनका परफॉर्मेंस जो है हो सकता है, और क्वालिफाई करने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि पूरे टीमें को जो 8 टीमें हैं उनको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 14 14 मैचेस जो है वो खेलने हैं, और इन 14 मैचों में से जो है उन्हें एटलीस्ट 7 से 8 मैचेस जो है वो जीतने पड़ेंगे। और यहाँ पे दोनों टीमें एक एक मैच जीती है, इसका मतलब इन्हें 6 मैचेस तो एटलीस्ट जो है वो जीतने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। और टोटल इनके पास जो बचे हैं वो बचे हैं 10 मैचेस। तो यहाँ पर क्या है, ये है करो और मरो की समस्या जो है वो दोनों टीमों के लिए अब स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो आपको BBL रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, LPL रिलेटेड चाहिए, तो आप जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो और इसका जो है एक अच्छा सा बेनिफिट जो है आप उठा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, तेज होगा 18th मैच होगा, और ये आपको खेला जाएगा थर्सडे को यानी कि दिसंबर 23rd को, और टाइमिंग जो होगा होगा 1:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, और जो ग्राउंड होगा वो होगा एडिलेड ओवल, एडिलेड में जो है ये खेला जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे कि अगर हम इस वेन्यू की बात करते हैं तो ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच है, लेकिन ये एडिलेड का जो है होम ग्राउंड है, और यहाँ पर जो है बॉल ज़्यादा स्पिन होती है, स्विमिंग पर भी जो है वो अच्छा चांसेस मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 232 रन जो हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पे, जो कि ठंडा ने बनाया था, लोएस्ट जो है वो 87 रन है जो कि एडिटिया साइकर ने बनाया था। और लास्ट 10 मैचों में से यहाँ आप देखोगे तो एक्चुअली में 5 जो है वो चेस हुआ है और 5 जो है वो डिफेंड हुआ है, तो इसको जो है 5 कर लेना, 5 जो है चेस हुआ है, 5 ही जो है वो डिफेंड हुआ है। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल मैचेज जो अभी तक हुए हैं, तो उनमें से देखोगे 56 मैचों में से जो है 34 फर्स्ट बैट जीता है, और 22 जो है वो सेकंड बैट जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज जो है यहाँ पे 166 है, जो कि एक अच्छा खासा जो है एवरेज देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न में यहाँ पे कि 150 से नीचे जो है 14 स्कोर बने हैं, 150 से और 70 के बीच में जो है 15 स्कोर है, और इसके अलावा देखोगे आप 170 से 90 के बीच में देखोगे तो वो है 21 स्कोर, और 190 से ऊपर जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे 6 स्कोर जो है वो बना है। अब वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो टेम्परेचर आप देखोगे यहाँ पे 19 डिग्री जो है वो रहने वाला है, 22 चांसेस जो है 20% के आसपास है, लेकिन मैच जो है आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं टॉस जीतने के, तो एडलेटे के ज़्यादा चांसेस है कि एडलेटे जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करना जो है वो पसंद करेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ की, तो ब्रिस्बेन हिट की तरफ से देखेंगे तो जेमी पियर्सन जो है ये लीड करेंगे। इसके अलावा जो वेदर मॉथ है ये जो है वो पहला मैच खेले थे, उसके बाद से जो है वो 2 मैचेस नहीं खेले, तो इसका जो है अब वो रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा जो टॉम एबेल जो है इनके नी इंजरी हो गया है, तो ये ऑलमोस्ट आप देखोगे कि अब आउट ऑफ BBL जो है दिखाई देगा। इसके अलावा जो है आपको मिथेल स्वेपनेस जो है ये अनअवेलेबल रहेंगे क्योंकि इनका जो है वो टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ का नेथन मैकफी और मैट कुलना जो है ये टॉम एबेल और स्वेपनेस को जो है ये रिप्लेस करेंगे। और यही हम बात करते हैं एडलेट एसआई की तरफ से, एडलेट एसआई की तरफ से ज़्यादा कोई चेंजेस जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है नहीं। पीटर शिरल जो है ये लीड करेंगे, कोई भी चेंजेस जो है शायद ये नहीं करने वाले हैं, और सेम टीम के साथ जो है ये खेलने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि कैसे जो रहने वाला है दोनों टीमों का प्लेइंग 11, तो प्लेइंग 11 आप देखोगे यहाँ पे अगर ब्रिस्बेन हिट की बात करते हैं, जेमी पियर्सन, इसके अलावा जेवियर बैटलेट, जेम्स बिजली, मैक्स ब्रियंट, इसके अलावा जो है टॉम कूपर, बेन डकट, इसके अलावा सैम हेजलवेट, मैट कुलमन या जैक विदर्ली मैं से जो है वो 12th मैन तो ये रहेगा ही सब। इसके अलावा जो है आपको क्रिस लिन, इसके अलावा मार्क अस्टेकी, इसके अलावा जो है आपको मुजीबुर रहमान जो है देखने को मिलेगा प्लेइंग 11 में। और यहाँ से अगर हम की प्लेयर की बात करते हैं तो जो आप जेमी पियर्सन को ले चलते हो, जेवियर बैटलेट, इसके अलावा जेम्स बेजली भी अच्छे फॉर्म में, मैक्स ब्रियंट भी अच्छे फॉर्म में है, इसके अलावा बेन डकट जो है भी अच्छे फॉर्म में है, और इसके अलावा जो है क्रिस्टिन का भी परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच में जो है वो ठीक ठाक देखने को मिला है। इसके अलावा जो है मार्क को और मुजीबुर रहमान को जो है पिक करके चल सकते हो बॉलिंग के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बॉलिंग में जो है वो विकेट दिला सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे कि एडलेटा स्टैगर का जो है कैसे रहने वाला प्लेइंग 11, तो एडलेटा स्टैगर की अगर बात करते हैं तो आपको जो है जैक विदरलैंड, इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे देखने मिला मैथ्यू शॉट, मैट रेंथो, जोनाथन मिल्स, थॉमस कैली, इसके अलावा जो है आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे हैरी नीलसन, जॉर्ज गार्टन, इसके अलावा राशिद खान, डेनियल ओरल, इसके अलावा पीटर शीटल और फवाद अहमद को जो है पिक करके चल सकते हो प्लेइंग 11 के लिए। और यहाँ पे अगर हम की प्लेयर की बात करते हैं तो आपको जैक विदरलैंड को जो है पिक करके चल सकते हो, मैथ्यू शॉट को, मैट रेंसो को, इसके अलावा जो है आपको थॉमस कैली को जो है पिक करके चल सकते हो कि लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा सा जो है देखने को मिला था। इसके अलावा बॉलिंग के लिहाज से आप राशिद खान को, डेनियल ओरल को, पीटर शीटल को जो है पिक करके चल सकते हो क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा खासा देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
कि रिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है दोनों टीमों का। तो रिसेंट परफॉर्मेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर देखने मिलेगा कि ब्रिस्बेन हीट जो है वो रिसेंट 4 मैचेज जो अभी खेले हैं उनमें से जो है ये 3 हारा है, 1 जीते जो है वो जीता है, और यहीं एडलेटा स्ट्राइकर का जो है वो सेम कंडीशन है जहाँ पे 4 मैचों में से 1 जो है वो जीता है और 3 जो है हारा है। और इसके अलावा हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीमों के, तो हेड टू हेड में आप देखोगे दोनों टीमें जो है अभी तक 14 मैचेस खेल चुकी है जिनमें 6 जो है वो हीट जीता है, 8 जो है वो जो है स्ट्राइकर जीता है। और डिम लेवन टीम की हम अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अगर इनका पिछले साल का जो है कुछ एडिशन को जो है अभी काउंट किया जाए यहाँ पे, दोनों टीम अभी तक एवरेज रन जो मेंटेन करती है वो हीट जो है 143 के एवरेज रन जो है मेंटेन करती है एटलेटा स्ट्राइकर के खिलाफ, और वहीं स्ट्राइकर जो है 153 का जो है वो एवरेज रन मेंटेन किया है हीट के खिलाफ। और इसके अलावा बात करते हैं दोनों टीमों का, अगर फर्स्ट बैट करके देखोगे तो फर्स्ट बैट करके हीट जहाँ 2 मैचेस जीता है वहीं एटलेटा स्ट्राइकर जो है वो 4 मैचेस जीता है, सेकंड बैट करके हीट जो है वो 4 मैचेस जीता है और एटलेटा स्ट्राइकर जो है वो 4 मैचेस जीता है। और विनिंग चांसेस में जो आप देखोगे कि 42 से 43% मैचेज जो है अभी तक हीट जीता है और 57% मैचेज जो है वो देखने मिलेगा कि एडलेटा स्ट्राइकर जीता है। अब हम बात करते हैं डिम लेवन टीम के, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल फ्री सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस मैच के रिगार्डिंग बाकी जो भी इंटरनेशनल मैचेज है स्टार्ट उससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो और एक अच्छा सा जो है बेनिफिट उठा सकते हो। आप चलो एक बार डिम लेवन टीम देख लेते हैं और फिर वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं हम डीम इलेवन टीम का, तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे देखोगे डीम इलेवन टीम के लिए तो सबसे पहले जो आपको विकेट कीपर डिपार्टमेंट में पिक करना है वो पिक करना है बेन डकट को या फिर जो हेनरी नीलसन है, इसको पिक कर चल सकते हो क्योंकि दोनों जो है वो अच्छे फॉर्म में है, हालांकि कोई बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है दोनों से अभी, बेन डकट को मैं जो है यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पे बैटिंग की, तो बैटिंग में जो है आप क्रिस लिन को जैसे मैंने बताया कि अभी 2 मैचों में जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया है, तो 2 मैचों से पिक करके चल सकते हो या फिर जोनाथन वेल्स को, इसके अलावा जो आपको सैम हेजलवुड को जो है पिक करके चलना है, और इसके अलावा जो थॉमस कैली है इसको पिकअप चल सकते हो, या ऑलराउंडर डिपार्टमेंट जो हम लोग यहाँ पे जो है वो भी मेथ्यू शॉट को लेते हैं, जेम्स बेजली को लेते हैं। और इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है वो राशिद खान को सबसे पहले पिक करना है, फिर से डेनियल ओरल जो है काफ़ी अच्छा जो है फॉर्म में है, इसके अलावा जो गैरी गर्टन है इनका भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा देखने को मिला है, और जेवियर ब्रेसलेट का जो परफॉर्मेंस ये भी जो है अच्छा देखने को मिला है। और इसके अलावा हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में से जो है आपको एक थॉमस कैली को ले सकते हो या फिर जो है आप मैक्स ब्रियान को ले सकते हो या टॉम एबेल को, तो इनमें से जो है किसी को आप पिक करके चल सकते हो। मैं एक जैक विदेलन को जो है पिक करके चल रहा हूँ, और एक ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से आप चाहो तो जो है यहाँ पे जैक विदेलन जो कि काफ़ी समय बाद जो है वो वापस हो रहे हैं तो आप इनको पिक करके चल सकते हो, या फिर बॉलिंग में जो आप चाहो तो किसी को पिक कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन, तो कैप्टन जो है आपके लिए मैथ्यू शॉट को जो है बहुत सारे लोग जो है सेलेक्ट करेंगे, तो आप भी सेलेक्ट करोगे तो एक कमन टीम में जो है वो ज़्यादा बनने के चांसेस रहेगा, तो आप यहाँ से जो इनको हटा के जो है वो किसी और को जो है पिक करके चल सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है अभी के लिए जो है वो आपको सैम हेजलवुड को ले सकते हो, बेन डकट को, लेकिन मैं जेवियर ब्रेसलेट को जो है पिक करके चल रहा हूँ कैप्टन के तौर पर, वाइस कैप्टन तौर पर जो है वो राशिद खान को। और यहाँ से जो है आप देख सकते हो टीम पर भी, और इस टीम के साथ जो है अप टू 7 मेंबर आप खेल सकते हो बड़े आराम से। इसके लिए आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।